हेलो दोस्तों, सही का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज आपके लिए जो हमने इससे पहले करा दिया था गुणनखंडों का युगफल, ठीक है, युगफल कराया था और हमने गुणनखंड निकालने आपको सिखाए थे कि कुल गुणनखंड कितने होते हैं, ठीक है, ये चीज़ हमने आपको बता दी थी। तो उससे ही आगे अब डिस्कस करेंगे और आज हम और नया कुछ सीखेंगे इसी में, ठीक है। तो इसी का पार्ट है, तो चलिए चलते हैं और इसे हम सीखते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जैसा कि आपको मालूम है, ये जो चैप्टर है वो नंबर सिस्टम का आपका चल रहा है, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो इससे पहले भी हम दो तीन वीडियो दे चुके हैं इसकी, तो उसी की वीडियोस को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 8 एक संख्या दी हुई है और उसने कहा है कि गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ऐसा करके एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो 8 के कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो पहले हम 8 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो जैसे कल गुणनखंड हमने निकालने सिखाए थे वीडियो में, जो हमने इससे पहले वीडियो दी थी, तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो गुणनखंडों को हम क्या करेंगे, इसमें इसे काट लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे। तो इस तरह से हम जब फैक्टर करते हैं तो उसके बाद जो हम कुल गुणनखंड निकालते हैं, कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो हमें दो पे दो कितनी बार आया है इसमें, 1, 2, 3 बार आया, तो 3 पावर लगा दिया। तो क्या कहा था, एक पावर बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये जो बढ़ा देंगे ये ही आपके कुल गुणनखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कुल गुणनखंड हो जाएंगे। तो चलिए अभी क्या है, हमने इसके कुल गुणनखंड कितने निकाल लिए, तो कुल गुणनखंड इसके हो गए 4। अब इसका सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है जैसे हमें प्रोडक्ट निकालना है, यानी गुणनफल निकालना है, गुणनफल, ठीक है। अगर हमें गुणनफल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें नंबर दिया हुआ है, जो हमें नंबर दिया हुआ है उस पर हमें डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर करने हैं, डिवाइजर में भाग देना है 2 से, ठीक है। तो हमने अभी कुल गुणनखंड निकाल लिया, यानी वही डिवाइजर होते हैं। तो नंबर कितना था मेरे पास, 8, और कुल गुणनखंड कितने निकल का है उसके 4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 8 में पावर कितनी बच जाएगी, 2, यानी ये कितना हो जाएगा, 8×2=64। तो इस तरह से इसके कुल गुणनखंड कितने होंगे, 64 हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप, कहने का मतलब ये है, 8 के जब आप गुणनखंड करते हो तो 1 भाग दे देगा 8 में, ठीक है, 2 भाग दे देगा, 4 भाग दे देगा और 8 भाग दे देगा। अब इन सब का गुणनखंड मतलब गुणनफल, इन सब को गुणा आपस में करोगे तो गुणनफल आ जाएगा। तो 1 का 2 में करोगे 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 8 का जब 4 8 में करोगे तो 64 हो जाएगा। इस तरह से 64 निकल के आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका हमने एक सूत्र बनाया, क्या बनाया कि प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो गुणनफल होता है, ठीक है, तो उसे क्या करते हैं, उसे हम जो नंबर होता है, नंबर और नंबर पे पावर चढ़ा, नंबर पे जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं, ठीक है। तो हमें पहले डिवाइजर निकालना, हमने आपको सिखा दिया था अगले वीडियो में, इससे पीछे वाले में, तो आप इसे कर सकते हैं। चलिए एक नया क्वेश्चन लेते हैं और नए क्वेश्चन में कहा है कि 900 के निकालने हैं तुम्हें, 900 के गुणनखंडों, 900 के गुणनखंडों का गुणनफल, ठीक है, ये निकालना है, का गुणनफल, गुणनफल आपको ज्ञात करना है, 900 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो आप कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके 900 के फैक्टर कर लो, 900 के फैक्टर करोगे तो 9×10×10 बराबर कितना हो जाएगा इसका, इसे हम 3×3 में तोड़ सकते हैं, इसे हम 2×5 में तोड़ सकते हैं, ठीक है, और इसे हम 2×5 में तोड़ सकते हैं। देखिए इस 10 को हमने 2×5 में तोड़ दिया, 10 को तोड़ दिया 2×5 में, और इस 9 को हमने किस में तोड़ दिया, 3×3=5 में, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इनके निकालनी पड़ेगी पावर, इन पे कितनी बढ़ रही है, 3 पे 2 बढ़ रही है, 5 पे 2 बढ़ रही है और 2 पे 2 बढ़ रही है। तो हमने कहा था इनके कुल गुणनखंड कैसे निकलते हैं, तो इनकी एक एक पावर बढ़ाते जाओ, तो 2 में 1 बढ़ा दी 3 हो गया, फिर 2 में 1 बढ़ा दी 3 हो गया, फिर 2 में 1 बढ़ा दी 3 हो गया, यानी कितना आ गया, 27। यानी 27 कुल क्या निकला है, ये डिवाइजर आपके निकला है, डिवाइजर, ठीक है। आप गुणनफल निकालेंगे, तो गुणनफल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो गुणनफल के लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, तो गुणनफल के लिए आपको सीधा सूत्र लगा देना है, यानी प्रोडक्ट बराबर, यानी प्रोडक्ट नंबर था, नंबर पे डिवाइजर,
ठीक है, डिवाइजर और बट्टे में दो लगाना है, ठीक है। तो नंबर कितना था आपके पास, यानी नंबर था आपके पास कितना, 900 नंबर था आपके पास, उस पर डिवाइजर 27/2। अब 900 किसका वर्ग होता है, 930 का वर्ग होता है, ठीक है, इनटू में 27/2, दो से दो कट गया, ठीक है। तो 30 पे पावर कितना आ गया, 27। तो यही आपका आंसर होगा, 30 पे पावर 27 का यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सीख लिया। अब चलिए, अब नेक्स्ट इसमें हम सीखते हैं, नोट डाल के लिख लीजिए। अब हम प्राइम फैक्टर आपको बताएंगे, प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर नेक्स्ट टॉपिक है आपका, प्राइम फैक्टर, ठीक है। प्राइम फैक्टर आपको निकालने हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि एक संख्या दी हुई, प्राइम फैक्टर होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक आपको सवाल दिया हुआ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा है कि 2 पे पावर 6, 3 पे पावर 4, इंटू 5 पे पावर 7, इंटू 11 पे पावर 12, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ। तो जो इनकी पावर्स है, ठीक है ना, पावर्स है, पर ये एक ही फैक्टर में होने चाहिए, इनके दूसरे फैक्टर ना कटने चाहिए, दो का अब कोई फैक्टर हो सकता है, कुछ नहीं होगा। तो ये 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसमें 3 में जो कट सकता है, नहीं कट सकता, तो 4 आ गया। इसका कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता है, तो 5, 7 आ गया, 7 का 12 आ गया। इन सबको आप जोड़ो, ये कितना हो गया, 10, 17, 17 और 12, 29 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से 29 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चलिए और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम फैक्टर क्या होते हैं, और एक क्वेश्चन आपको देते हैं उसमें देखते हैं। जैसे 12 पे पावर लिखा हुआ है 16, ठीक है, और फिर है 18 पे पावर 9, ठीक है, और फिर 26 पे पावर 13, ठीक है, ये पावर्स लगी हुई हैं, ठीक। तो अब इनको कैसे आप करोगे हल, तो इसके लिए देखो 12 को अभी हम किस में टूट सकते हैं, 2 × 2 × 3 पे पावर कितना हो गया, 16। ऐसे ही 18 को किस में टूट सकते हैं, 3 × 3 × 2 पे पावर कितना, 9, ठीक है। ऐसे ही हम 26 को टूट सकते हैं, 2 × 13, क्योंकि इसके बाद तो इसके कोई फैक्टर होंगे नहीं, तो इससे पावर कितनी चढ़ी हुई है, 13 पावर चढ़ी हुई है, ठीक है। तो अब इन सबको अलग अलग कर लीजिए, देखिए 2 है, तो 2 पे कितनी पावर चढ़ी है, इधर 16, इधर 16, देखिए वो 2 हैं, तो 16 कितना हो गया, 32 हो गया। अब जोड़ रहे हैं पावर को, ठीक है। उसके बाद इधर 2 पे चढ़ी हुई है 9, तो 9 हमने इधर लिख दिया प्लस, उसके बाद इधर 2 पे 13 चढ़ी हुई है, तो हमने 13 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 3 पे कितनी चढ़ी, 16, तो 16 लिख दिया। 3 पे कितनी चढ़ी है, 9, तो 9 लिख दिया। फिर 3 पे 9 चढ़ी है, तो 9 लिख दिया, इधर प्लस का चिन्ह लगाओ, ठीक है, इधर 9 लिख दिया। फिर 13 पर कितनी चढ़ी है, 13, तो 13 लिख दिया। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो आप इन सबको जोड़िए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ये देखो 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया, और 25 ये लिख दिया हमने, ठीक, जोड़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। और इधर 13 कितना हो गया, 26 हो गया, तो 26 लिख दिया। उसके बाद 9 कितना हो गया, 18, तो 18 लिख दिया इधर। और इससे पहले कितना था, 32, ठीक है, 32 और दिए। अब ये कितना हो गया, 51, ठीक है। और इधर कितना हो गया, इधर हो गया कितना आपका, 50, ठीक है, तो 50 हो गया। 51 और 50 कितना हो गया, 101, तो कितना आ जाएगा, 101, तो 101 प्राइम फैक्टर्स के आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप से अब आप प्राइम फैक्टर से निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टर आसानी से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट टाइप में हम आपको बताएंगे कि आप इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे हल कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आप जो किसी संख्या को हमने भाग दिया, किससे, 16 से भाग दिया, तो हमारे पास 6 शेष बचेगा, कितना, 60 को दिया तो 16 शेष बच गया, ठीक है। 60 है ये, 60 है, और 16 से भाग दिया, तो मतलब 60 से भाग दिया हमने किसी संख्या में, तो 16 शेष बच गया, क्या बच गया, शेष बच गया 16, ठीक। उसके बाद क्या है कि इसी संख्या को, जो संख्या है उसी संख्या को हमने किससे भाग दे रहे हैं, अब हम दे रहे हैं 12 से भाग दे रहे हैं, तो बता रहा है कितने शेष बचेंगे, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आप बताइए कितने शेष बचेंगे, तो ये जो है ना 12 से इसको काट दो, ठीक है, 12 को इससे काट दो, कितना बचेगा शेष, 4। अगर आपको संख्या निकालनी है तो संख्या कैसे निकालोगे, इन दोनों को आप आपस में जोड़ देना, तो कितना हो गया, 76 संख्या होगी आपकी, इसमें 12 से भाग दोगे तो कितना होता है, 12 × 72 के बाद कितना बच गया, 4 बच गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरह
चलिए अब नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टाइप में आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चन को आप कैसे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे एक सवाल दिया होता है, जैसे इसी सवाल का है जो अभी मैं पीछे करा रहा था, इसी का है। जैसे मान लीजिए किसी संख्या को, किसी में संख्या में हमने भाग दिया 12 से, ठीक है, 12 से दिया, तो हमें कितना शेष बच गया, हमारे पास शेष बच गया आपका कितना, शेष बचा आपका 4, ठीक है, 4 शेष बचा। और इसी अब इसी संख्या को हमने 15 से भाग दिया, 15 से भाग दिया तो 6 शेष बच गया, ठीक है, कोई संख्या है उसे दे रहा हूँ भाग, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि मान लीजिए अब इसमें निकालना है, कोई तीसरी संख्या पूछ ले आपको, अब ये संख्या ही पूछ ले कि संख्या कितनी है, तो आप संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको दोनों उसने शेष दे दिए, तो अब कैसे संख्या निकालेंगे आप, तो आपको ऐसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक आप बॉक्स वो बना लीजिए, ऐसे करके बनाइए आप, ठीक है, तो इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक। तो जैसे आप 12 से भाग दे रहे थे, और भाग देने वाली इधर होगी, जैसे भाजक, ठीक है, इधर भाजक आएगा, ठीक है, भाग देने वाली इधर आ गई है, संख्या यहाँ पे आएगी आपकी, संख्या इस कॉलम में, ठीक है, संख्या इस कॉलम में आएगी। उसके बाद शेष आपके इधर बचते हैं, शेष इधर बचते हैं आपके, ठीक है, शेष इधर हैं। अब चलिए इसमें देखते हैं, पहले हमने 12 से भाग दिया था तो कितना शेष बच गया था हमारे पास, 4, ठीक है, 12 से भाग दिया था कितना बच गया, 4। फिर हमने 15 से भाग दिया, 15 से भाग दिया तो कितना बच गया हमारे पास, 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाइए आप, उसके बाद इधर प्लस का चिन्ह लगाइए, ये ऑलवेज बन रहता है, बन क्या रहता है, ऑलवेज बन रहता है, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिए, ऑलवेज बन, ठीक, ऑलवेज क्या रहता है, बन रहता है ये। तो अब देखिए इसमें निकालिए, तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो आप पहले 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, ठीक है, तो 15 में 6 जोड़ दो आप, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, 15 और 6 कितना हो गया, 21 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी दोहराओ, 12 का गुणा करोगे इसमें 21 में, फिर 4 जोड़ोगे, जब 12 का 21 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 एकन 12 और 12 दूनी 24, ठीक है, तो कितना 242 हो गया, और 212 एकन 12, ठीक है, और 12 दूनी 24, 24 और 25, ठीक है, 252 हो गया, और 252 में और 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 256, तो ये आपकी संख्या निकल आएगी, ठीक। तो इस तरह से आप संख्या निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, और इसमें हम आपको नेक्स्ट में बताते हैं कि आप कैसे हल कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इसी का और इन थोड़ी संख्या बढ़ा दे तो क्या करोगे आप, जैसे मान लीजिए कि ये हमने बना लिया अपना बॉक्स, ठीक है, ये हमने अपना क्या बना लिया, बॉक्स बना लिया, ये देखिए, ठीक है, ये बॉक्स बना लिया। पहले हम दे रहे थे संख्या 5-7 से भाग, तो हमारे पास शेष कितना बच रहा था, 1 बच रहा था। फिर हम दे रहे थे 5 से भाग दिया तो हमारे पास शेष बचा 4, ठीक है, ये क्वेश्चन है, लिख लेना। फिर 4 से हमने भाग दिया तो हमारे पास 2 शेष बच गया, ठीक है, कितना बच गया, 2 शेष बच गया, ठीक। उसके बाद अब क्या है, हमें संख्या निकालनी है, तो हमने कहा था यहाँ गुणा का चिन्ह लगाओ, यहाँ हमेशा 1 लिखना है, कैसा, ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह लगाओ, अब क्या है, 4 एकन 4, 4 और 2 6, क्यों गुणा का चिन्ह होना, तो 6 बन गया। फिर ऐसी 5 6 30, 30 और 4 34, ठीक है। अब 7 का इसमें मल्टीप्लाई करो 34 में, तो 7 चौके 28 और 7 3 21, 21 और 2 23, ठीक है, तो कितना हो गया, 238, 238 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 239, कितना हो जाएगा, 239 हो जाएगा आपका, ठीक। तो इस तरह से आप संख्या निकाल सकते हो। अब मान लीजिए आपको एक नेक्स्ट सवाल देखते हैं, और इसमें आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए एक सवाल ऐसे ही दिया हुआ है, ये लास्ट वाली नहीं, ठीक है, ऐसे करके खींच लीजिए, ठीक। अब जैसे मान लीजिए पहले हमने 4 से भाग दिया तो कितना बच गया हमारे पास, मान लीजिए कोई संख्या है, 4 से भाग दिया तो 1 बच गया, 5 से भाग दिया तो 2 बच गया, और 6 से भाग दिया तो मान लीजिए 3 बच गया, ऐसे ही लिख रहा हूँ रैंडम, ठीक है। तो गुणा इधर प्लस और इधर 1 और इधर प्लस, तो अब आप ऐसे करेंगे तो वैसे ही करके देखिए आप इसका कितना आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अपने ढूंढ लीजिए कॉपी में, किताब में, तो वहाँ पे आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम अगले वीडियो में, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी हमने क्वेश्चंस इसमें टाइप्स डिस्कस कर दिए, कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट, तो ये कंसेप्ट ही आपको याद रखने हैं, ठीक।
ठीक है, कंसेप्ट ही आपको याद करने हैं, उसके बाद आपको लगाने हैं क्या क्वेश्चंस, क्वेश्चंस लगाने हैं अपने अपने क्वेश्चंस लगाने हैं, और क्वेश्चन लगा के आपको देखना है कि हम कितना सीखे कितना नहीं सीखे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी हमारे वीडियो की, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू और गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।